क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। आपके सामने वीडियो है, देखिए। देखिए ना, हम लोग उन लोगों से बात करेंगे। फर्स्ट टाइम मैं कॉम्प्रोमाइज करी इंग्लिश में विदाउट प्रोफाइल। तो उसके बाद में आज भी सेम वही इंसिडेंट हुआ था कि वुमेन्स कॉलेज लेवल के बोले पर मेरे लेफ्ट साइड में नॉन मुस्लिम बॉय भी था, उसके पीछे भी नॉन मुस्लिम बॉय था, बैकलॉग किस थे या कोई थे नहीं मालूम मुझे। और फिर रहा आज का बुरखा नहीं निकालती बल्कि बोले तो आई एम लिख के देखे मुझे नीचे भी जा रही कि एग्जाम लिखना है तो बुरखा निकाल के आना। तो मैं नीचे आ गई, मैं लिखती बोली एग्जाम। उसके बाद में फिर HOD से बात करने के लिए बोले, फिर HOD के पास भी जाने नहीं दे रहे थे। तो फिर भी मैं ज़बरदस्ती करके HOD के पास गई। वहाँ पर मैम बोले परमिशन दे दिए, ओके आप लिख लो, लेकिन जो नाइन्थ रूम नंबर 9 के जो इन्विजिलेटर थे उनको परमिशन नहीं दे रहे थे। HOD आके उनको इन्फॉर्म भी करे कि ये लड़कियों को ले लो बुरखे में ही, तो वो बोले कि नहीं, इन लोग को रविंद्र रेड्डी का लेटर लेके आओ बोलो, और इन लोग को कौन से तरीके से एग्ज़ाम लिखाना है आता मुझे। और हॉल टिकट्स छीनिए मेरे पास से, हॉल टिकट्स चलिए, फिर बात करेंगे कि करने नहीं आ रहा आप लोग, स्पेशल हो क्या ये, मतलब मैं मेरे सिर्फ मेरी अकेलों के लिए नहीं बोल रही, बाकी और मुस्लिम्स के लिए भी मैं ये बात बोलूँ। लेकिन यहाँ पे और लोग इसलिए आवाज़ नहीं निकाल रहे क्योंकि आप लोग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब बात करने का जो बिहेवियर है स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक रिक्वेस्ट है सर, हम आपकी बात से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप जो मैडम जो आपका बिहेवियर है उन्होंने जो लेटर पूछे, आप एग्जाम जब तक होंगे आप कॉलेज उनको बाहर रखें, एक रिक्वेस्ट है। क्यों बोलिए या नहीं तो उनको बोलो कॉलेज रेवेंट रेड्डी का लेटर चाहिए बुरखा उतारने के लिए, विदाउट बुरखा पहन के देने के लिए, या तो उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऐसा लेटर बताइए जो आज बुरखा उतार के एग्जाम देना है गवर्नमेंट। मैडम मात्र ना तुम इधर स्टेट में कहीं भी बुरखा उतार के एग्जाम लिखने का नहीं है अपने को कहीं भी, मगर यहाँ पे आप बोल रहे कहते बुरखा उतार नहीं बोले सब हमारे पास प्रूफ है मैडम, वीडियो बोल रहे हैं सी दोस्त वांट टू देखो मैडम मैडम ఒక మాట చెప్తా so please allow us to do exam, those who want to wear burqas let them wear, those who don't want it is their way, it is girls college, most of them will remove the burqas and it is their wish, we have never forced them no, and madam. This issue and this will all aaj ye data mare kar aaye kar ye data mare kar aaye bhai sahab aage aao bole to hamara cha rahe hain now madam good madam now is time to do the exam to complete madam 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 मैडम जरा मेरे से बात करिए, अभी जो हो गया हो गया, नहीं था प्रेशर हो गया, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम ड्यूटी है, हम बोलते हैं एग्जाम कंडक्ट करना ना पीसफुली, इतना चिट्ठी लाए तो हम क्या कैसा करना है एग्जाम हो गई मात्र आपको उतना ही अगर चेक कराना है तो एक प्राइवेट रूम रखना, एक लेडीज को खुद चेक कराना, क्लास में बैठे कैसा बोलते हैं आप रूम में है चेक भी, हमारी ड्यूटी है बोले तो कैसी बात है आपकी, किसी के रिलीजन पे नहीं बोलना, आपको इजाजत नहीं है आपको, आपके आपको किसी के रिलीजन पे नहीं बोलना,
तीन जने आके कंप्लेन करे आपके सामने वीडियो है देखिए हम लोग का उन लोगों से बात वुमेन्स कॉलेज जबल के बोले पर मेरे लेफ्ट साइड में नॉन मुस्लिम बॉय भी था उसके पीछे भी नॉन मुस्लिम बॉय था बैक ऑफ थे या कोई थे नहीं मालूम मुझे और फिर रहा आज का बुरखा निकाल के बोले तो आई एम के देखे मुझे नीचे भी जाती कि एग्जाम लिखना है तो बुरखा निकाल के आना तो मैं नीचे आ गई मैं लिखती बोली एग्जाम उसके बाद में फिर हचोड़ी से बात करने के लिए बोले फिर हचोड़ी के पास भी जाने नहीं दे रहे थे तो फिर भी मैं ज़बरदस्ती करके हचोड़ी के पास गई वहाँ पर मैम बोले परमिशन दे दिए ओके आप लिख लो लेकिन जो नाइन्थ रूम नंबर नाइन के जो इंग्लिश लेटर थे उनको परमिशन नहीं दे रहे थे एचओडी आके उनको इन्फॉर्म भी करे कि ये लड़कियों को ले लो घुरपे पे ही तो वो बोले कि नहीं इन लोग रविंद्र रेड्डी का लेटर लेके आओ लो और इन लोग को कौन से तरीके से एग्जाम लिखाना है आता मुझे और हॉल टिकट्स छीन लिए मेरे पास हॉल टिकट्स लिए फिर बात करेंगे कि करने नहीं आ रहा आप लोग स्पेशल हो क्या ये मतलब मैं मेरे सिर्फ मेरी अकेलों के लिए नहीं बोल रही बाकी और मुस्लिम्स के लिए भी मैं ये बात करूँ लेकिन यहाँ पे और लोग इसलिए आवाज़ नहीं निकाल रहे क्योंकि आप लोग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है मतलब बात करने का जो बिहेवियर है स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा हो रहा है सॉरी फॉर एक रिक्वेस्ट है सर हम आपकी बात से एक्सेप्ट करते हैं लेकिन आप वो जो मैडम जो का बिहेवियर है उन्होंने जो लेटर पूछे आप एग्जाम जब तक होंगे आप कॉलेज उनको बाहर एक रिक्वेस्ट है क्यों बोलेंगे या नहीं तो उनको बोलो कॉलेज रेवेंट रेड्डी का लेटर चाहिए बुरखा उतारने के लिए विदाउट बुरखा पहन के देने के लिए या तो उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऐसा लेटर बताइए जो आज बुरखा उतार के एग्जाम देना है गवर्नमेंट का इधर स्टेट में कहीं भी बुरखा उतार के एग्जाम लिखने का नहीं है अपने कहीं भी मगर यहाँ पे आप बोल रहे कहते बुरखा उतारो नहीं बोले परमिशन दे सब हमारे पास प्रूफ है मैडम वीडियो है आप प्रूफ रहता आई एम अल्लाह बोल रहा है ना सी दोस हु वांट टू देखो मैडम दोस हु वांट टू वेयर बुरखा राइट दैट वी वांट टू टेल एवरी ईयर नाउ आल्सो वी टोल्ड द सेम वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड रूम हां वी हैव प्रोवाइडेड रूम मैडम మాట So please allow us to do exam. Those who want to wear burqas, let them wear. Those who don't want, it is their wish. It is girls' college. Most of them will remove the burqas. And it is their wish. We have never forced them. मैडम जरा मेरे से बात करिए अभी जो हो गया होगा आइंदा प्रेशर हो गया हम कुछ भी नहीं कर रहे हम हमारा ड्यूटी है हम बोलते हैं एग्जाम कंडक्ट करना ना पीसफुली इतना चिट्ठी लाए तो हम क्या कैसा करना एग्जाम हो गई मार्क प्राइवेट रूम रखना है लेडीज को चेक कराना अगर आपको उतना ही अगर चेक कराना है तो एक प्राइवेट रूम रखना एक लेडीज को बुर्का चेक कराना क्लास में बैठे कैसा बोलते हैं रूम भी है चेक भी वो हमारी ड्यूटी है मतलब कैसी बात है आपकी किसी के रिलीजन पे नहीं बोलना आपको इख्तियार नहीं है आपको आपके आपको किसी के रिलीजन पे नहीं बोलना आपके रिलीजन पे नहीं बोलना आपके रिलीजन पे नहीं बोलना
तीन जने आके कंप्लेन करें।